सभी किसान भाइयों को नमस्कार पिता समान बुजुर्गों नौजवान साथियों मेरी माताएं और बहनें जो कृषियों से सहायकियों से जुड़ी हुई हैं उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल फार्मिंग ट्रेंड्स पर जो किसान भाई नए हैं उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाले भविष्य में हम गेहूँ की और धान की जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करते रहें आज हम अपने रिसर्च फील्ड पर खड़े हुए हैं करनाल काछवा रोड पर और इस फील्ड पर इस पूरे रिसर्च फील्ड पर हमने पांच वरायटियाँ बीज उत्पादन में लगा रखी हैं उन पांच वरायटियों में से आज एक ऐसी किस्म की गेहूं की उन्नत किस्म की किस्म की प्रजाति के ऊपर बात कर रहे हैं जिसने भारतवर्ष में जितने भी राज्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर इसकी बोनी की जाती है बड़े स्तर पर इसकी बोनी की जाती है हमेशा डिमांड में रही है कभी भी इसने किसानों को निराश नहीं किया है यह इसकी अब तक की सबसे खूबसूरती इस किस्म की है हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल जिस यहां पर मैं खड़ा हूं यहां से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर यह संस्थान स्थित है यह संस्थान का मुख्य उद्देश्य लवणीय और क्षारीय भूमि के ऊपर रिसर्च करना है खारे पानी के ऊपर रिसर्च करना है जो हमारी जमीनें कलर की हैं जो ज़मीनें ऊसर हैं जहां पानी खड़ा रहता है जहां पानी में शौरे की मात्रा अधिक है वहां के लिए सहनशील गेहूं की धान की छोले की और सरसों की और अन्य बहुत सारी किस्में प्रजातियां इस संस्थान ने विकसित करके हमारे भारतीय किसानों को दी हैं जिससे किसानों ने अपने बंजर खेतों में भी सोना उगाने का काम किया है किसान भाइयों गेहूं की जो उन्नत किस्म की हम बात कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रकबा लगभग सभी राज्यों में है हम बात कर रहे हैं के आर एल दो सौ दस की जो संस्थान के द्वारा दो हजार तेरह में रिलीज की गई इसका जो विमोचन वर्ष था वो दो हजार तेरह था प्रजनक गेहूं प्रजनक विभाग के हेड डॉक्टर नीरज कुलसे जो कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान सी एस एस आर आई करनाल में जो अपने कार्य प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है ये उनके द्वारा विकसित की गई किस्म है आज भी इस वैराटी का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन लिया जाता है क्योंकि यह लवणीय और शारी भूमि में बहुत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हुई है किसान भाइयों इस किस्म की बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख रकबा है वो हरियाणा की बात करते हैं भिवाणी चरखी दादरी इधर आप आ जाइए करनाल का बहुत बड़ा एरिया जाता है कैथल का एरिया जाता है और इन सभी एरियो में जहाँ पर मिट्टी लवणी और शारी है कलर वाली है उसर जमीने हैं उत्पादन कम होता है जहाँ दूसरी वरायटियों का वहाँ पर ये इस वरायटी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसी के साथ साथ तरन तारण श्री मुक्सर साहिब और पटियाला का बहुत बड़ा एरिया एल्काइन सोइल के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश में इटावा कानपुर नागपुर कानपुर इटावा लखनऊ ये प्रमुख ऐसे जिले हैं जहाँ पर इसकी काश्त की जाती है के आर एल दो सन 2013 में यह की यह वर्टी रिलीज की गई संस्थान सी एस एस आर आई करनाल के द्वारा जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अभिन्न अंग है किसान भाइयों, इसके हम इसकी सिफारिश की बात करते हैं तो यह पूरे भारतवर्ष में ये ऐसी किस्म है पूरे भारतवर्ष में जहां पर हमारी भूमि लवणीय है और क्षारिय है वहां पर इसका उत्पादन लिया जा सकता है इसके पौधे की बात करते हैं तो इसके जो पौधे की ऊंचाई है वो मात्र अठानवे से 100 सेंटीमीटर है इसमें पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों को सूखा चारा भूसा प्राप्त हो जाता है इसमें गिरने की कोई भी आशंका नहीं है जिस फील्ड में मैं खड़ा हुआ हूं यह ब्रिडर बीज है एक 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 क्विंटल ब्रिडर बीज हमने ढाई किले में लगा रखा है जिसका हम फाउंडेशन बीज का उत्पादन कर रहे हैं जो बिक्री के लिए किसान भाइयों के लिए उपलब्ध रहेगा इसी के साथ साथ हमारे पास दो एकड़ के आर एल दो सौ तिरासी भी लगा हुआ है जो संस्थान का टी एल सीड होता है टी एल का जो संस्थान सीड देता है वो लगभग ब्रिड से तैयार फाउंडेशन बीज देता है लेकिन टैग उसके ऊपर टी एल का होता है दो सौ तिरासी का भी हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं जिस फील्ड में हम खड़े हुए हैं यह फाउंडेशन बीज आप देख सकते हैं ये खेत अपने निसारे की अवस्था में है अभी निसर रहा है बैलियाँ लगभग आधी निकल चुकी हैं अभी आधा निशारा आना इसमें बाकी है इस किस्म में इसका जो संस्थान बिजाई जो रिकमेंड करता है क्योंकि इसका जो अवधि काल है वो छोटा श्रिंक अवधि काल छोटा है यह है मात्र 140 45 दिन में पक के तैयार हो जाती है यह है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है जो इसको मार्च में हाई टेम्परेचर और गर्मी बढ़ने से इसको बचाता है इस वे वरायटी अगर आप अगेते में एक नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक संस्थान इसकी बिजाई की सिफारिश करता है यह किस्म सभी जगह पर भारतीय किसी भी कोने में अगर वहां पर गेहूँ का उत्पादन होता है और लवणी और शारी भूमि है पानी खारा है वो जमीनें ऊसर हैं जमीनें कलर वाली हैं वहां पर इसका उत्पादन लिया जा सकता है यह मात्र एक सौ पालीस पैंतालीस दिन में पक्के तैयार हो जाती है मार्च के महीने में ही लगभग पक्के तैयार अंत में पक्के तैयार होती है जिससे इसका दाना खूबसूरत दाना मोटा और बोल्ड होता है इसका दाना दूसरी वरायटियों से काफी भिन्न है इसका दाना सफेद रंग का होता है इसकी चपाती की क्वालिटी की गुणवत्ता बहुत अधिक है सफेद रंग की इसकी चपाती बनती है उसमें आयरन और आयरन और जिंक और ग्लूटोन की जो मात्रा है उसका स्तर बहुत बढ़िया है इसलिए इसकी जो खान इसकी जो चपाती है वो खाने में भी अधिक स्वादिष्ट लगती है के आर एल दो सौ दस में दो हजार तेरह से जब से ये एक वरायटी रिलीज हुई है इस वरायटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है दिन ब दिन इसकी जो डिमांड है लगातार बढ़ रही है आज इस वैरायटी को लगभग तेरह साल हो गए दस साल हो गए हैं इस वैरायटी का रकबा रकबा लगातार बढ़ रहा है और जो बीज है उसकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है जिससे किसान भाइयों को निराश होना पड़ता है इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी किसान भाई अगर बीज लेना चाहता है हमारे पास फाउंडेशन बीज उपलब्ध है केरल दो सौ का किसान भाइयों इस वैरायटी को 10 साल होने के बावजूद भी यह इसमें रोग प्रतिरोधता क्षमता आज भी बनी हुई है इसमें कभी भी पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है इसमें करनाल बंड जैसी प्रमुख समस्या भी इसमें नहीं है इस जो इसकी जो इसकी उत्पादन को बढ़ाते हैं और इसकी जो क्वालिटी है उसको अपने शीर्ष स्थान पर ले जाते हैं केर एल की बात कर रहे हैं हम अपने रिसर्च फील्ड फाउ पर खड़े हुए हैं करनाल काछवा रोड पर मात्र पाँच मीटर दूरी पर केरल आर सी एस एस आर आई केंद्रीय मृदा लवनता अनुसंधान संस्थान जहां पर स्थित है किसान भाइयों इसी के साथ साथ मैं आपसे भी चर्चा करूंगा कि जितना भी हमारा रकबा कल्लर और लवनी शारी भूमि है किसान भाई बंजर बीनू में भी आप अपना सोना उगा सकते हैं के आर एल दो सौ दस की बिजाई करकर जितने भी किसान भाई पिछले तीन चार साल चार साल से भी ले गए हैं उनको बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ है अब की बार हमने 213 भी दिया है ये हमारा प्रथम वर्ष था उसका भी जो रिस्पांस है वो बहुत बढ़िया आ रहा है पहेवा के पास एक गांव है बटेडी वहां पर हमारा 213 का चार एकड़ हमारा फील्ड लगा हुआ है वो चार एकड़ ऐसे हैं जहां पर कभी भी गेहूँ नहीं हुआ है और वो फील्ड सड़क के ऊपर स्थित है आते जाते किसान उसको देखते हैं भी उस वरायटी उस खेत में ये वरायटी कौन सी लगा रखी है जो बहुत अच्छी खड़ी हुई है और अच्छा उत्पादन देने की क्षमता में है वहां पर हमारी के आर एल दो सौ तेरह भी लगी हुई है मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि उत्पादन जो वीडियो हैं के आर एल दो सौ तेरह दो सौ तिरासी का भी हम अपलोड करेंगे लेकिन इस वैरायटी की अन्य मुख्य विशेषता मैं आपसे साझा कर दूँ जहाँ पर किसान भाई अपनी मिट्टी की जाँच जरूर कराएँ अपने जो राजकीय स्तर स्तर पर जो मिट्टी प्रशिक्षण केंद्र सरकार की के तरफ से खोले गए हैं जहाँ या जहां आपका अपने कृषि विश्वविद्यालय लगता है वहां पर मिट्टी की जाँच कराकर वहां पर चेक कीजिए कि उसमें लवण सहनशीलता कितनी है और क्षारीय सहनशीलता कितनी है अब उसमें लवण सहनशीलता 6.5 है और क्षारीय सहनशीलता 9.5 पॉइंट है आ, इन ये जो पैरामीटर संस्थान ने रिलीज किए हुए हैं वहां पर इसकी खेती बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर जमीन आपकी लवणीय है शारीय है उसर है बंजर है कलर वाली है जहाँ पानी खारा है पानी खड़ा रहता है वहाँ पर यह वरायटी रिलीज गई है की गई है जहाँ पर आपका क्षारिय कंटेंट जो सा है वो लवणीय जो कंटेंट है वो साढ़े छः होना चाहिए शारी कंटेंट साढ़े नौ होना चाहिए वहाँ पर इस वरायटी की काश्त की जा सकती है उत्पादन की बात करते हैं तो सस्तान लवणी और शहरी भूमि में ये रिकमेंड करता है कि इसका उत्पादन चौंतीस क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिया जा सकता है यह एक बहुत अच्छा उत्पादन है अगर किसान की खेत में कुछ भी नहीं होता है वो गेहूं की कोई अन्य किस्म बिजाई करता है बाद में मडूसी हो जाती है और काट के पशु को खिलाना पड़ता है उससे कई गुना बेटर है कि किसान इसका उत्पादन ले रहा है हमारा एक फील्ड नीलोखेडी के पास गांव में लगा हुआ है वहां भी केयर 213 लगी हुई है वहां भी उस वैरायटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है उस खेत में कभी भी आज तक गेहूँ नहीं हुआ है वहां का जो पीएच वैल्यू है वो बहुत हाई है और पीएच हाई होने के बावजूद भी किस्म अच्छी खड़ी हुई है हम मानते हैं कि अगर पीएच एच साढ़े नौ पी, पी है तो अगर फसल वहां अगर गेहूँ की ये किस्में सोलह से अठारह क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती हैं तो यह बहुत अच्छा उत्पादन होगा लेकिन सामान्य भूमि में जो किसान भाई सामान्य भूमि पर खेती करते हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा और आग्रह करूंगा कि इस वरायटी की टेस्टिंग आप अपने खेत में जरूर कीजिए यह सामान्य भूमि में भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है क्योंकि इसका अवधि काल ही एक दिन का है यह गर्मी आने से पहले ही पक्के तैयार हो जाती है संस्थान इसकी बिजाई पांच से बीस नवंबर तक इसकी रिकमेंडेड करता है किसान भाइयों उत्पादन उद, की बात करता हूं तो सामान्य भूमि में यह किस्म छप्पन क्विंटल से लेके अठावन साठ क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे सकती है यह बहुत ही अच्छा उत्पादन है आप मान के चलिए कि 20 क्विंटल से के 24 क्विंटल के आसपास उत्पादन देने की क्षमता इस वराइटी में है अगर आप और भी अच्छा उत्पादन इसका लेना चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा सीड रेट आप बढ़ा सकते हैं हालांकि इसमें टिलरिंग बहुत ज्लवास जवाब टिलरिंग है अगर सीड रेट बढ़ाते हैं तो यह किस्म आपको पच्चीस छब्बीस क्विंटल तक पर भी उत्पादन दे सकती है सामान्य भूमि में और जहाँ लवणी और शारिय थोड़ा कम पैरामीटर की हैं जो जहाँ लवण की चशक आज भी है लेकिन वो अपना करैक्टर दिखाती हैं, वहां पर भी इसका उत्पादन आप 24 क्विंटल तक ले सकते हैं आज आपसे बात करी है केर एल दो सौ दस केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा रिलीज ये किस्म किसानों के लिए लगभग बहुत बड़े पैमाने पर कारगर सिद्ध हुई है इसने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है जो किसान भाई जिनकी कलर की जमीने हैं जिन गाँव में कलर वाले खेत हैं, उसर जमीने हैं जहाँ पानी खड़ा रहता है वहां पर इस किस्म की बहुत बड़े स्तर पर खेती की जाती है आज हमारे पास ब्रिडर बीज के फाउंडेशन बीज का हम फील्ड दिखा रहे हैं ढाई एकड़ के आसपास ये के 210 है और इसके साथ दो एकड़ हमारे पास के आर एल लगा हुआ है दो का भी वीर दो भी हमने एक एकड़ लगा रखा है उसका भी वीडियो बनाकर आपके साथ अपलोड करेंगे इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं जय जवान जय किसान